अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरा नाम है आमना, आई डू मेकअप ट्यूटोरियल्स एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू फैशन एंड ब्यूटी। तो आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी ये काशीज इंस्पायर्ड ग्रीन आई मेकअप, जो कि मेहंदी माइयों के फंक्शन के हिसाब से बहुत ही परफेक्ट है। और ईद भी आने वाली है तो आप ग्रीन ड्रेस के साथ इसको ईद पर भी कर सकते हैं। बहुत सिंपल स्टेप्स में आपको ये लुक करना सिखाऊंगी, तो चलिए जी ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बगैर लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ स्पूली ब्रश, जिसकी मदद से मैं आईब्रो हेयर्स को ब्रश कर लूँगी ताकि नीट लुक आए। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि जब तक आईब्रोज नीट नहीं लगती ना, तो आई मेकअप की भी लुक अच्छी नहीं आती। फिर मैं यूज़ कर रही हूँ क्राइलॉन की टीवी पेंट स्टिक इन द शेड FS45। इसको मैं आई प्राइमर के तौर पे यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी कंसीलर यूज़ कर सकते हैं, इवनली अपनी पूरी आईलिड्स पे स्प्रेड कर देना है और ब्लेंड करना है। ब्लेंड करने के बाद कंसीलर को आपने सेटिंग पाउडर के साथ सेट कर देना। आप कॉम्पैक्ट पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, लूज़ पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, मैं लूज़ पाउडर यूज़ कर रही हूँ। फिर आपको दरमियाने साइज़ का फ्लफ़ी क्रीज ब्रश चाहिए और उस पर आपने लेना है मस्टर्ड कलर का मैट आई शेडो, किसी भी पैलेट में से आप ले सकते हैं। इसको जो है हम अपनी क्रीज एरिया में और आउटर कॉर्नर पे ब्लेंड करेंगे। पहले शेड को क्रीज में अप्लाई करना है और मैं डायरेक्ट ब्लेंडिंग मोशंस में नहीं अप्लाई कर रही, पहले मैं लाइटली शेड को प्रेस कर रही हूँ और उसके बाद मैं ब्लेंड कर रही हूँ। ये ट्रिक बिगिनर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहती है क्योंकि जिनका हाथ ब्लेंडिंग पे सेट नहीं होता और वो जब डायरेक्ट ब्लेंडिंग मोशंस में शेड को अप्लाई करते हैं तो ज़्यादा शेड उड़ जाता है। तो अगर आप पहले शेड को प्रेस करेंगे फिर ब्लेंड करेंगे तो कलर की पिगमेंटेशन ज़्यादा अच्छी आती है। और मैं क्रीज में शेड को 2 से 3 दफ़ा बिल्डअप करूँगी क्योंकि ये है ट्रांजिशन शेड। ट्रांजिशन शेड्स वो होते हैं जो कि बहुत डार्क भी नहीं होते लेकिन बहुत लाइट भी नहीं होते, क्रीज में लगाने के लिए होते हैं। तो इनको जो है आपको 2 से 3 बार अप्लाई करना पड़ता है कलर को थोड़ा वाइब्रेंट बनाने के लिए, प्रोमिनेंट बनाने के लिए। और सेम शेड को मैं उसी ब्रश के साथ आउटर कॉर्नर पे पहले प्रेस कर रही हूँ और फिर ब्लेंड कर रही हूँ। और आउटर कॉर्नर पे शेड को ब्लेंड करने के लिए मैं सर्कुलर स्ट्रोक्स इस्तेमाल कर रही हूँ, यानी ब्रश को गोल गोल घुमा रही हूँ। और आउटर कॉर्नर को आपने क्रीज के साथ कनेक्ट कर देना है इस तरह से। सेम पैलेट में से मैं ले रही हूँ मीडियम चॉकलेट ब्राउन से शेड और इसको अप्लाई करने के लिए चाहिए कुछ इस तरह का पेंसिल ब्रश। पहले हम इस शेड को पैक करेंगे, यानी इस शेड को प्रेस करेंगे आउटर कॉर्नर पे लैश लाइन के साथ। आप देख सकते हैं मैं पूरे आउटर कॉर्नर पे शेड नहीं अप्लाई करी, सिर्फ नीचे नीचे अप्लाई कर रही हूँ। अप्लाई करने के बाद ब्लेंड करेंगे, सेम पेंसिल ब्रश मैं यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही स्मॉल स्ट्रोक्स के साथ ब्लेंड कर रही हूँ। और ब्लेंड करते हुए हम इसको बाकी के आउटर कॉर्नर पर थोड़ा सा फैला लेंगे। जब हम इसको ब्लेंड करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली शेड बाकी के आउटर कॉर्नर पर थोड़ा सा फैल जाएगा। अब मैं थोड़ा सा और शेड अप्लाई कर रही हूँ और दोबारा से ब्लेंड कर रही हूँ। इस तरह से जो है ना हमने डेप्थ भी क्रिएट कर लिया, आउटर कॉर्नर थोड़ा डार्क भी हो गया लेकिन बहुत ही सॉफ्ट लग रहा है। आप देख सकते हैं कि मैं सर्कुलर स्ट्रोक्स भी इस्तेमाल कर रही हूँ ब्लेंड करने के लिए इस शेड को, और बैक एंड फोर्थ स्ट्रोक्स भी इस्तेमाल कर रही हूँ, और बहुत ही स्मॉल स्ट्रोक्स इस्तेमाल कर रही हूँ और बहुत ही हल्के हाथ से ब्लेंड कर रही हूँ। ब्लेंडिंग को मज़ीद फ्लॉलेस करने के लिए पहले वाला ब्रश ले रही हूँ और उस पर मस्टर्ड शेड लेके डार्क ब्राउन के एजेस को ब्लेंड कर रही हूँ। फिर हमने कट क्रीज करनी है यूजिंग एनी कंसीलर जो आपके पास हो। मैं एले गर्ल का प्रो HD कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। मैं कट क्रीज करने के लिए डायरेक्ट इस कंसीलर के एप्लीकेटर को ही यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरी काफ़ी प्रैक्टिस है, लेकिन आपने फ्लैट ब्रश के साथ ही कट क्रीज करनी है। इस कंसीलर का क्योंकि एप्लीकेटर काफ़ी शार्प है इसलिए मैं इसी के साथ डायरेक्ट कट क्रीज कर रही हूँ। अगर आप बिगिनर हैं और आपको कट क्रीज नहीं भी आती तो आप कट क्रीज स्किप भी कर सकते हैं, आप वैसे ही कंसीलर अप्लाई कर लें, उसको कट क्रीज की शेप में अप्लाई ना करें। अब हमें चाहिए है लाइट मैट ग्रीन शेड, जो कि मैं ले रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन के फॉरएवर फ्लॉलेस बर्ड्स ऑफ पैराडाइज आई शेडो पैलेट से। आप किसी भी पैलेट में से ले सकते हैं और इस शेड को फ्लैट ब्रश के साथ कट क्रीज के ऊपर अप्लाई कर लेना है। मैट ग्रीन को अप्लाई करने के बाद हम अप्लाई करेंगे शिमर ग्रीन। अब आप कहेंगे कि हमने शिमर आई शेडो अप्लाई करने से पहले मैट आई शेडो क्यों अप्लाई किया, बिकॉज इस तरह से शिमर की पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा इंटेंस और वाइब्रेंट आएगी अगर उसके नीचे मैट कलर आई शेडो की बेस होगी। सेम आई शेडो पैलेट में से मैं ये ग्रीन गोल्ड सा शेड ले रही हूँ और इसको मैं अब मैट आई शेडो के ऊपर अप्लाई कर दूंगी। शिमर आई शेडो अप्लाई करने के लिए फ्लैट ब्रश का इस्तेमाल करना है, आप चाहें तो फिंगर्स भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैंने ऐसे ही किया था। पहले मैंने फ्लैट ब्रश के साथ अप्लाई किया था और फिर बाद में मैंने फिंगर्स के साथ शेड अप्लाई किया, बिकॉज जो शिमर आई शेडोज होते हैं ना उनकी ज़्यादातर पिगमेंटेशन फिंगर के साथ ज़्यादा बेटर आती है। फिर फ्लैट ब्रश पे बहुत ही थोड़ा सा शेड लेके आउटर कॉर्नर और शिमर आई शेडो के दरमियान जो लाइन है ना उसके ऊपर मैं प्रेस कर रही हूँ ताकि वो ब्लेंडेड लगे। नेक्स्ट अप्लाई करना है आईलाइनर, आप कोई भी आईलाइनर यूज़ कर सकते हैं। मैं क्राइलॉन का एक्वा केक लाइनर यूज़ कर रही हूँ और उसमें सीलर मिक्स कर रही हूँ क्राइलॉन का ताकि वो वाटरप्रूफ हो जाए। और लाइनर बिल्कुल सिंपल अप्लाई करना है, लैश लाइन के साथ साथ एक थिन सी लाइन अप्लाई करनी है लाइनर की।
और सिर्फ आउटर कॉर्नर से लाइन को थोड़ा सा थिक कर देना, बहुत हल्का सा। और फिर हमें चाहिए है मैट ब्लैक आई शेडो, और उसको अप्लाई करने के लिए स्मजर ब्रश या फिर पेंसिल ब्रश भी आप यूज़ कर सकते हैं। और ब्लैक आई शेडो को हमने आउटर कॉर्नर पे अप्लाई करना है, जहाँ से हमने लाइनर को थोड़ा सा मोटा किया था उधर हमने अप्लाई करना है, और बहुत ही हल्का हल्का सा हमने वहाँ से शेड ब्लेंड करना है, बहुत ही हल्के हाथ से और लाइट स्ट्रोक्स हमने यूज़ करने हैं। फिर पहले वाले मीडियम चॉकलेट ब्राउन शेड से इस ब्लैक को हल्का हल्का सा ब्लेंड करना है, स्मॉल सर्कुलर स्ट्रोक्स इस्तेमाल करने हैं ब्लेंड करने के लिए। और फिर दोबारा से फ्लफी ब्रश पे पहले वाला मस्टर्ड शेड लेके ब्राउन किया, जिसको ब्लेंड कर देना ताकि सारी ब्लेंडिंग फ्लॉलेस हो जाए। फिर कोई पेंसिल ब्रश या स्मॉल फ्लफी ब्रश के साथ आपने क्रीज वाला मस्टर्ड शेड लोअर लैश लाइन पे अप्लाई करना है। फिर लेना है कोई भी हाइलाइटर और उसके साथ इनर कॉर्नर और ब्राउ बोन एरिया को हाईलाइट करना है। मैं गोल्डन हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो ऑफ वाइट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस लुक के साथ ज़्यादा अच्छा गोल्डन हाइलाइटर ही लगेगा। फिर वाटर लाइन पे मैं वाइट पेंसिल अप्लाई कर रही हूँ, आप न्यूड पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं। फिर मस्कारा अप्लाई करने से पहले मैं लैशेस को कर्ल कर रही हूँ, आप चाहें तो ये स्टेप स्किप कर सकते हैं। मस्कारा मैं यूज़ कर रही हूँ रिवाज यूके का डबलिंग एक्सटेंड मस्कारा, मैं सिर्फ मस्कारा ही अप्लाई कर रही हूँ इस लुक में, लैशेस नहीं अप्लाई कर रही। आपकी अपनी मर्जी, आप चाहें तो लैशेस अप्लाई कर लें, चाहें तो सिर्फ मस्कारा ही अप्लाई कर लें। एंड जी दिस इज़ द फाइनल लुक, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही है। इस लुक में पॉप ऑफ कलर भी है, ब्राइट भी है, लेकिन ओवर भी नहीं लग रही। मस्टर्ड और ब्राउन के कॉम्बिनेशन की वजह से ग्रीन कलर काफ़ी पॉप कर रहा है और डिसेंट भी लग रहा है। अगर आपको ये लुक अच्छी लगी है या आज की वीडियो से आपने कुछ भी नया सीखा है, तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।